दोस्तों महेशी रसोई में आज हम बनाएंगे फलाहार के लिए एक बहुत ही टेस्टी एकदम क्विक स्वीट रेसिपी जो कि खाने में टेस्टी है और मैंने कहा ना बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं, हार्डली 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और आपकी ये शानदार स्वीट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे जरूर हिट कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की स्वीट रेसिपी बनेगी सिंगाड़ी के आटे के साथ, क्योंकि शिवरात्रि में सिंगाड़ी के आटे का एक विशेष महत्व होता है। तो बस ये मैंने एक कप जितना आटा ले लिया है। आप अपने घर में कोई भी कप, कटोरी या ग्लास मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद गैस ऑन करिए, उसके ऊपर एक भारी पैदे की कढ़ाई रख दिया और आपको इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। एकदम स्लो गैस पर आप आटे को डाल दीजिए और आटे को हल्का हल्का सा भून लीजिए। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी, लेकिन अभी आपको इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। करीब 2.5 से 3 मिनट आप इसे ऐसे ही भूनिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दीजिए आधा कप जितना देसी घी। आप चाहें तो घी की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो नाप है वो आधा कप का है, एक कप आटा आधा कप घी। और उसके बाद आप इसे भूनना स्टार्ट कीजिए। शुरू में आपको काफ़ी सूखा सूखा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद में घी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मली बेसन के हलवे के साथ या बेसन की बर्फी या लड्डू के साथ होता है। और आप चाहते हैं कि आपकी जो बर्फियाँ बने एकदम दानेदार बने, तो उसका जो प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सिंगाड़ी का आटा जो होता है वो तो काफ़ी बारीक होता है और इसकी बर्फियाँ थोड़ी सी गीली सी बनती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एकदम अलग तरीके से और बहुत ही टेस्टी बर्फियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसमें एक बढ़िया दाने के लिए मैं डालूंगी इसमें 4 टेबल स्पून जितना पानी, लेकिन पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, एक एक टेबल स्पून जितना पानी डालते जाइए। फ्लेम को हाई कर दीजिए और कंटिन्यूस हिलाते जाइए। और जब आप देखेंगे कि पूरा पानी गिर गया है और आटा बहुत ही अच्छे से दाने की फॉर्म में हो जाएगा, जैसे नॉर्मली सूजी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का टेक्सचर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो बर्फियाँ बनेंगी ना बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक 4 टेबल स्पून पानी डालकर भून लिया है और दाना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और अब हमारा जो आटा था ये भी परफेक्ट भून चुका है। ओवरऑल मैंने इसे अभी तक करीबन 6 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितनी चीनी। कप आपको वही रखना है जो हमने आटे के लिए लिया था। और चीनी डालकर फिर से 2 से 3 मिनट भूनिए। आपको चीनी को इसमें मेल्ट नहीं करना है, बस हल्की सी कैरमलाइज हो जाएगी तो टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। छोटा सा प्रोसेस है, ज़रूर कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा। और फिर से अच्छे से मिक्स भर कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना दूध। कप आपको वही रखना है जो हमने सिंगाड़ी के आटे के लिए लिया था, चीनी के लिए लिया था। और उसके बाद 1 कप ही हम इसमें मावा डाल देंगे और लगातार हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए आप अच्छे से पका लें। इसे पकने में फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम लगेगा, एकदम इंस्टेंट ये पककर तैयार हो जाता है। बस आप इसे करीब 2-2.5 मिनट पकाएंगे और 2-2.5 मिनट में ही आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा सा डो बनने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फियों में एक बढ़िया कलर आए तो आप इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल सकते हैं, जिससे कलर और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे इसका कलर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन येलो कलर डाल देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इसे अब करीब 3 मिनट पकाया है और एकदम परफेक्ट ये डो की तरह तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, अगर ज़्यादा पका लेंगे तो काफ़ी हार्ड सा हो जाएगा। तो अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ और उसके साथ ही एक कर लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। तो थोड़ा सा मिश्रण अलग ले लिया, थोड़ा सा ठंडा किया और इस तरीके से एक सॉफ्ट गोली बन रही है। तो इसका मतलब है हमारी जो बर्फियाँ हैं परफेक्ट सेट हो जाएंगी। तो बस अब एक प्लेट को मैंने अच्छे से ग्रीस कर तैयार किया है और ये जितना भी मिश्रण था हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप बर्फ़ी नहीं जमाना चाहते तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं और आप चाहें तो हलवे की तरह भी इसे खा सकते हैं, बढ़िया टेस्ट करता है। तो ये लीजिए अच्छे से सेट कर लिया। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जिसमें मैंने थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं। उसके साथ ही मैंने ले लिए हैं थोड़े से
काजू जिसको एकदम बारीक बारीक मैंने कट किया है, और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी। किसी भी फलाहार के लिए हमारी बर्फियाँ तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, इन बर्फियों को जमने में नॉर्मली बर्फियों की तरह उतना समय नहीं लगता है, ये 10 से 20 मिनट में ही अच्छे से सेट हो जाती हैं, क्योंकि सिंगाड़ी का आटा है बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगा। तो चलिए 10 से 20 मिनट के लिए इसे काउंटर टॉप पर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, और 10-20 मिनट बाद ही हम इसे कट कर लेंगे। सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और आप देखिए बर्फियाँ काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो अब बारी है फ्रेंड्स इसे कट करने की। कट करने के लिए आप एक नाइफ लीजिए और अपनी मनपसंद शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। बर्फियों को आप थोड़ा सा छोटा कट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कट कर सकते हैं, और ये देखिए क्या मज़ेदार और एकदम शानदार हमारी ये सिंगाड़े के आटे की बर्फियाँ तैयार हो गई हैं। यकीनन आपने इस तरीके से सिंगाड़े के आटे की बर्फियाँ अब से पहले तो कभी ट्राई नहीं करी होंगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए बहुत ही शानदार बर्फियाँ तैयार हैं। इन बर्फियों को अगर आप फ्रीज में रखकर खाते हैं तो करीब 6 से 7 दिन तक ये ख़राब नहीं होती हैं। अगर बाहर भी रखते हैं तो 3 दिन एज इट इज़ रहती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।